नवाज शरीफ चाहते हैं इमरान खान की नाहली हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगु, बोले कि एस्टैब्लिशमेंट एक आदमी का नाम नहीं, नया आर्मी चीफ अपनी पॉलिसी लाता है। लगता है कि अभी तक जनरल रिटायर्ड बाजवा की पॉलिसी ही चल रही है। जनरल कमर बाजवा को तौसी देना उनकी गलती नहीं ब्लंडर था। ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। आयन में वाजे है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। किरान केस में लार्जर बेंच का बनना उनके लिए अच्छा है। इमरान खान नाहली केस में पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस अरबाब ताहिर 9 फरवरी को समाप्त करेंगे। दूसरी जानब तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान फर्द जुर्म के लिए 21 फरवरी को तलब। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का 21 फरवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। इलेक्शन कमीशन तस्दीक शुदा कॉपियां उनके वकला को फराम ना कर सका। अदालत में इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को अवाम के फैसले से अलग नहीं होना चाहिए। इदारों और अवाम में फासले जल्द खत्म और दोनों एक पेज पर होंगे। हुक्मरान फंस गए, इलेक्शन से भाग रहे हैं। आइन पर अमल नहीं होगा तो फिर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। फवाद चौधरी ने प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में मजीद कहा, वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क शदीद बहरान में चला जाएगा। एपीसी में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावा दी जानी चाहिए थी। बाज़ाब्ता दावा दी जाती तो इमरान खान भी एपीसी में जा सकते थे। इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। आईजी केपी मौजम जानसारी ने बताया, ये नहीं कहा जा सकता आइंदा इंतखाबात पुरअमन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में 57,000 एहलकारों की कमी है। गुज़िश्ता साल पुलिस पर 494 हमले हुए, इस साल अब तक 46 हमले हो चुके। पिछले साल 119, इस साल 93 जवान शहीद हुए। पार्लियामेंट के पैदा करदा तनाजात हल करना अदालत का काम नहीं, पार्लियामेंट अपने तनाजात खुद हल करे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अदाबंदियाल के रिमार्क्स। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान बनने से अब तक इंसदाद करप्शन का कानून मौजूद रहा है। इमरान खान को शदीद शायद असल कानून के तकाजे बदल जाने पर तशवीश है। अदालत कानूनी खिलाफवर्जी पर मुदाखलत ना करे तो आवाम से इंतहाई नाइंसाफी होगी। इस केस के जरिए नैब कानून पर रेडलाइन मुकर्रर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत आज होगी। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने दरख्वास्त मुस्तरद की। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में मौजूद। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रजाक ने मुकदमे को मजाक करार दिया। जमानत मुस्तरद करने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एमकेएम पाकिस्तान ने धरने की तैयारी शुरू कर दी। एमकेएम के तमाम अहदेदारों और कारकुनों को तवील धरने की तैयारी की हिदायत कर दी गई। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 12 फरवरी को कराची के फवारा चौक पर मुतालबात की मंजूरी तक धरना देगी। एमकेएम का आइन के आर्टिकल 10A पर अमल दरामद और हल्का बंदियों की दुरुस्तगी का मुतालबा। कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर इंतखाबात कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के हल्का NA-54 से असद उमर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। NA-57 मरी से PTI के सदाकत अब्बासी के कागजात जमा। शेख रशीद का NA-62 से ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। राशिद शफीक ने शेख रशीद से कागजात नामजदगी पर दस्तखत करा लिए। कोयटा में NA-265 में महमूद अचकजई और अली मदद जतक के कागजात जमा। कराची में NA-247 में आफ्ताब सदीकी और इकबाल कश्मीरी ने कागजात जमा करा दिए। शहर के सारे पेट्रोल पंप यहाँ से
होके आ गए हैं। कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा, एक जगह से मिल रहा है, वो भी हाई ऑक्टेन मिल रहा है, हाई सुपर नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किलात हो रही हैं, मैं बहुत परेशानी में है। एक तो महंगा पेट्रोल किया और ऊपर से दे रहा, स्टूडेंट बंदे हैं, कॉलेज वगैरह जाना होता है, बड़ा मसला हो रहा है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। पेट्रोल पम्प जो है ये बंद कर देते हैं जब इनको पता लगता प्राइस बढ़ रही है। हम पैदल फिर रहे हैं, ऑफिस आए थे, देखें बाइक्स वहाँ खड़ी हैं, अब पैदल फिर रहे हैं। पेट्रोल पम्प अभी थोड़ा सा ऐलान होगा कि 30-35 रुपये बढ़ गया है, इन्होंने फ़ौरन से ही कनाते हटानी है और यहाँ पे इन्होंने कहना आई जाओ आई जाओ। पेट्रोलियम कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र बेशतर मालिकान ने फरोख बंद कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत। उकाड़ा, आरफवाला, जड़ावाला, टोबा टेक सिंह, नारोवाल और दीगर इलाकों में भी शहरी पेट्रोल की तलाश में जगह जगह खार होते रहे। मुख्तलिफ शहरों में इक्का दुक्का खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। आईएमएफ पैकेज के लिए शराइत में मुसलसल इजाफा, जून में पेश होने वाले बजट के लिए नई शर्त सामने रखती। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आईएमएफ का मुतालबा है कि बजट पेश करने से पहले पाकिस्तान के पास 16 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मौजूद होना चाहिए। ये शर्त बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 3 रुपये बढ़ाने के अलावा है। इन दो शराइत के साथ पेट्रोलियम पर टैक्सेस में इजाफा भी शामिल है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान से डॉलर्स की स्मगलिंग को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की लाइफलाइन करार दे दिया। आलमी जरीदे ने इंकशाफ किया, ताजरों और दीगर जराए से यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान की मईशत को तकवीत मिल रही है और पाकिस्तानी मईशत कमजोर हो रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा 274 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। सोना 4500 रुपये सस्ता, फीतोला कीमत 2 लाख रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 331 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,522 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला आज शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 और 10 फरवरी के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। मरी समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। बहावलपुर में डेजर्ट जीप रैली और कल्चरल फेस्टिवल का मेला सज गया। महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम मेगा इवेंट की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। तकरीब में फनकारों ने पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखेरे। डेजर्ट जीप रैली के मुकाबले 10, 11 और 12 फरवरी को होंगे। इवेंट में मोटरसाइकिल रेस का भी इनाकाद होगा।